तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स आज के मोदी केयर वेलनेस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम के थ्रू आज हम लोग क्विज करने वाले हैं प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन की इम्पोर्टेंस हम सभी लोग अपनी हेल्थ के लिए जानते हैं, लेकिन आज फिर भी क्विज के फॉर्म में हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर्स क्या होने चाहिए। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देने से, सुनने से, इन पे नोट्स बनाने से आपको सबसे ज़्यादा मदद होगी कि आप स्किन, हेयर हेल्थ, इम्यूनिटी, बोन हेल्थ, हार्मोन्स हेल्थ और आपके सप्लीमेंट की इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोटीन रिगार्डिंग एक ही वीडियो में मिल जाएगी। आज आप लोगों ने काफ़ी तैयारी की है तो मैं ज़्यादा समय ना गवाए हुए आप सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग पर्याप्त मात्रा में डेली डाइट में प्रोटीन ना लें तो उसका स्किन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यस तृप्ति प्लीज रिप्लाई। गुड मोदी के मॉर्निंग। मैम अगर हम लोग को प्रोटीन्स कम होती है तो स्किन में व्रिंकल्स आना या पिगमेंटेशन होना या स्किन इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस जैसे तृप्ति ने बताया कि ब्रेकेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर हम लोग इनसफिशिएंट प्रोटीन लेते हैं। अगर कई लोगों की स्किन में देखा जाता है लालामीपन, जो रेडनेस है ये बहुत ज़्यादा आ जाती है। कोलेजन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन इम्पॉर्टेंट होता है, यानी अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहे, उसमें रिंकल्स या फाइन लाइन ना आए, हम लोग की स्किन यंग बनी रहे, तो उन सब के लिए हमें कोलेजन चाहिए। और ये कोलेजन प्रोडक्शन अगर हमारा प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा हम लोग खाते हैं तो हम लोग इन सब जो स्किन प्रॉब्लम है इससे बचे रह सकते हैं। और अगर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जिसकी डाइट में नहीं होता तो आप देख सकते हैं उनकी स्किन पर सैगिनेस, रिंकल्स, फाइन लाइंस ये सब भी बहुत जल्दी आती है, उनकी इलास्टिसिटी भी बहुत कम हो जाती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जिन लोगों को भी रिंकल्स या फाइन लाइंस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो न्यूट्रिशनल पैक के फॉर्म में हमने जितनों को भी प्रोटीन का पैक बना के जितनों को भी ट्रायल के लिए दिया था उन सबको रिंकल्स पे विद इन अ वीक रिजल्ट दिखने लगते थे, क्योंकि वो आपके रिंकल्स पे बहुत ज़्यादा असर कर जाता है। लो प्रोटीन का इंटेक अगर हम लोग का रहेगा तो हेयर पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। हैंड रेज अप कीजिएगा। या मनीषा। गुड मॉर्निंग मैम। जैसा कि प्रोटीन की कमी, जैसे हमारी बॉडी में जब प्रोटीन की कमी होती है, डाइट जो हम पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं, तो बॉडी जो है वो हेयर की जो मतलब रूट्स है उसके कारण उससे प्रोटीन खींचती है। yes. तो बालों में दिक्कत होती है, फाइट होते हैं, हेयर फॉल होता है और दो मुंह बाल होने लगते हैं। yes. मतलब बॉडी हमारी सबसे पहले स्किन और बालों से ही प्रोटीन खींचती है अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी। यस यस बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन का रिप्लाई किया। हम लोगों के 96% तक बालों में प्रोटीन होता है और जिसका नाम केराटिन होता है। ओके और बालों के निर्माण के लिए आपका बालों की जो रूट है ये मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मनीषा जी ने बताया कि जो भी निर्माण होगा उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपके बालों को भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप चाहते हैं कि बालों को, बाल आपके मजबूत हो, जड़ से मजबूत हो, शाइन करे, आपके डल ना हो, उसमें जान आपको दिखे, तो उन सब के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हेयर लॉस को अगर हम लोग को रोकना है उसके लिए भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। तो आपको अगर प्रोटीन की कमी डाइट में रहेगी तो उससे डल हेयर होंगे, फेडेड हेयर होंगे, ब्रिटल हेयर यानी बाल टूट के जल्दी गिरेंगे, शाइनलेस होंगे, बाल पतले होते जाएंगे, हेयर लॉस तेज़ी से होगा, तो ये सब कमी देखी जाएगी अगर आपके प्रोटीन की कमी डाइट में रहेगी। प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है, अब भी आप देखिए जितने भी लोग डल हेयर्स के लिए केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं बालों को, तो उन लोगों को एक 6-6 महीने के लिए रिजल्ट मिल जाता है। बट वो केमिकल प्रोसेस ट्रीटमेंट होता है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, बाद में जाके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं। लेकिन नेचुरली अगर हम लोग प्रोटीन को ध्यान दे रहे हैं और प्रोटीन बेस्ड जो हेयर मास्क भी हम लोगों ने पहले वीडियोज़ के थ्रू काफ़ी बार शेयर किया था यूट्यूब पर, प्रोटीन मास्क भी अगर आप लोग अपने मोदी केयर के बना के लगाते हैं तो
आउटर सोर्सेज से आपको प्रोटीन मिलते हैं, जिससे इंस्टेंट बालों में रिपेयर थेरेपी आपको तुरंत रिजल्ट के फॉर्म में सिल्की हेयर, शाइनी हेयर आपको दिखाई देते हैं, बालों में मजबूती दिखाई देती है, हेयर लॉस भी उससे काफ़ी कम हो जाता है। तो यही सब इम्पोर्टेंस जो है प्रोटीन की है। वेल ट्राइड मनीषा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका अगर प्रोटीन का इंटेक कम होगा तो उससे बोन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हड्डियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? महेश जी, गुड मॉर्निंग। क्या मॉर्निंग, आवाज आ रही है? यस आ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा मैम कि इसमें बोन्स का रिडक्शन होना चालू होगा। ओके, बोन्स में कोलेजन फैक्टर जो होता है कि जनरली हमारे बोन्स जो होते हैं वो 50% लगभग प्रोटीन से बने होते हैं और 1/3 पोर्शन हमारा मास से बना होता है। yes. अगर कोलेजन प्रॉपरली क्या होता है कि वो बाइंडिंग करता है अच्छे से। yes. अगर बोन्स में प्रोटीन का डिफिशिएंट रहा, प्रोटीन्स कम मात्रा में रहा, तो कोलेजन प्रॉपरली बाइंडिंग नहीं होगा, जिससे कैल्शियम और अदर ट्रेस एलिमेंट्स उससे बाउंड होते हैं। yes. और विटामिन डी और कैल्शियम ये प्रोटीन के साथ प्रॉपर डाइट में लिया जाएगा। हाँ. तो वो ज्यादा बेटर इफेक्ट करेगा कि वो ऑस्टियोपोरोसिस का भी एक वजह होती है कि प्रोटीन डाइट कम होता है। right. तो ये सारे फैक्टर हम प्रॉपर लेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस से भी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं और विटामिन कैल्शियम, विटामिन डी या कैल्शियम को अच्छे से एब्सॉर्प्शन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारे अगर प्रॉपर तीनों प्रॉपर फंक्शनिंग में रहेगा तो हमारी हड्डियां जो है वो प्रॉपरली मजबूत बनेंगी, बिल्डिंग अच्छे से बनेगा इनका। यस यस, वेल ट्राइड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया, एकदम करेक्ट आपने आंसर दिया है कि बोन जो फॉर्मेशन होता है उसमें कोलेजन जो बाइंडिंग एलिमेंट का काम करता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग बोन के कंपोजिशन को देखें तो बोन मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर दो तरीके के मैटर होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, दो तरीके के मैटर होते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर में हम लोगों के कैल्शियम, फॉस्फेट, कार्बोनेट ये सब रहते हैं और ऑर्गेनिक मैटर में हम लोग के प्रोटीन आ जाता है, कोलेजन आ जाता है। और ये जो सभी मैटर्स हैं ये मिलके बोन डेंसिटी को बनाते हैं, बोन को फॉर्मेशन भी देना है और बोन डेंसिटी यानी उसका घनत्व बनाए रखते हैं। और कोलेजन जैसे आपने बताया कि कोलेजन उसको बांधता भी है, तो ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटीन बोन के लिए कि आप अगर प्रोटीन का पर्याप्त मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो बोन के अंदर जो बोन डेंसिटी है वो आपकी अच्छी बनी रहेगी और आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर बोन डेंसिटी कम होती जाती है तो बोन खोखली होती जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ हम लोग जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोटीन का इंटेक, विटामिन डी का इंटेक, कैल्शियम का इंटेक अगर आप पर्याप्त मात्रा में लेते रहेंगे तो आपकी बोन हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। तो अब तक हम लोग जानते थे कि बोन का मतलब कैल्शियम, बोन का मतलब विटामिन डी, बट यहाँ पर अभी आज आप लोगों ने सेशन में जाना कि बोन का मतलब प्रोटीन भी होता है और बोन के कंपोजिशन में भी प्रोटीन और कोलेजन ये भी बोन फॉर्मेशन में, बोन डेंसिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ हमको कोई भी अगर हड्डी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम से बचना है तो प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी ये एक एग्जैक्ट सही कॉम्बिनेशन आ जाता है जिसको हमें अपने हड्डी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होने में अपने सही सप्लीमेंट के चुनाव में और डेली डाइट में बढ़ाने के लिए, सही चुनाव के लिए रखना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि अगर हम लोगों के प्रोटीन की मात्रा हमारी डाइट में कम होगी तो उसका मसल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओके हंसा जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जो प्रोटीन होता है उसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं और जब प्रोटीन इंटेक हम कम करते हैं तो उससे जो हमारी मसल्स हैं वो वीक होने लग जाती है, जिससे हमारी बॉडी में हमें वीकनेस और फटीग होता है। yes. मतलब कमजोरी लगने लगती है और हम कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। राइट राइट, बहुत बहुत सही जवाब दिया आपने। तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट क्या रहता है, जैसे हम लोगों के एक अच्छा मजबूत मकान अगर हमें चाहिए तो मजबूत मकान बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल सही होना चाहिए, यानी सीमेंट और ब्रिक्स उसकी सही होने चाहिए। इसी तरीके से अगर हमें अपनी मजबूत मसल्स चाहिए है तो उसके लिए हमें प्रोटीन, सही तरीके का, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होना, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेंगे, जैसा हंसा जी ने रिप्लाई किया कि हमें मसल, अगर हम लोग की
मजबूत नहीं होंगी तो बॉडी में सुस्ती बनी रहेगी, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होगी, जरा से काम में आप थक जाएंगे, तो ये सब आपके साथ बनी रहेगी। आपको एनर्जी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, आपको बहुत लो एनर्जी लेवल आपका काम करने के लिए बना रहेगा। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मसल हेल्थ के लिए भी, और प्रोटीन हमारे एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक मसल को डेवलप करने के लिए भी ज़रूरी होता है और उसको साथ में रिपेयर करने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो दोनों ही इसकी इंपॉर्टेंस होती है, इसके लिए प्रोटीन की डाइट पर हमें डेली बेसिस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। वेल डन हंसा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगर प्रोटीन का इंटेक हमारी हम लोग कम लेंगे तो उसका इम्यूनिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? हमारी इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो जाती है, हम ज्यादा बीमार होने लग जाते हैं और हमें एकदम ज्यादातर थकान होने लग जाती है। हम जो ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, इनके टच में हम ज्यादा आने लगते। यस तो ये बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, प्रोटीन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और प्रोटीन हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम को मेंटेन करने में मदद करता है, एंटीबॉडीज़ को बनाने में मदद करता है। और प्रोटीन अगर हम लोग सही मात्रा में लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छे से वर्क करेगा, हमारी इम्यूनिटी भी अच्छे से बनी रहेगी। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी या मेंटेन रखने के लिए। वेल ट्राई ममता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम लोग लो प्रोटीन इंटेक अगर लेते हैं तो उसका हंगर लेवल पे क्या प्रभाव पड़ता है? यस महेश जी। हेलो। यस हेलो मैम। या इसमें क्या होता है मैम कि जो हमारा हार्मोन होता है ग्रेलिन, जो भूख को सप्रेस करने वाला हार्मोन होता है, हाँ। तो प्रोटीन्स का प्रॉपर डाइट अगर हम लेते हैं ना, तो ये पेप्टाइड्स लेवल जो वाई पेप्टाइड्स का होता है, प्रोटीन्स जो हार्मोन्स होता है इसे प्रेस कर देता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमें पेट भरा भरा सा लगता है, फुलफिल लगता है हमारा, तो उस वजह से हमारे हंगर लेवल को भी कम कर देता है, तो वेट लॉस में भी अच्छे से काम। और प्रोटीन हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रोटीन धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट होने की वजह से वो जल्दी भूख क्रिएट नहीं करता है, हम लोगों को बार बार क्रेविंग महसूस नहीं होती है कि हम लोग को कुछ भी खाना है। उससे काफ़ी हम लोग की कैलोरी कंट्रोल करने में हम लोग को मदद मिलती है, वेट लॉस करने में भी मदद मिलती है, नॉर्मल हेल्थ को भी मेंटेन करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो वेल ट्राइड महेश जी। अगर हम लोग इसी का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो कितने सारे कंपनीज ऐसी होती हैं जो प्रोटीन के आधार पर ही वेट लॉस कराती हैं। उनका एक ही फंडा होता है कि आप एक टाइम का मील स्किप कर लीजिए और उसमें प्रोटीन पाउडर पी लीजिए, और जो प्रोटीन पाउडर की जो क्वांटिटी वो देते हैं उससे भूख नहीं लगती है, आप मील स्किप कर पाते हैं और उसके बाद आप कैलोरी कट डाउन कर पाते हैं और फिर आपका वेट लॉस होना चालू हो जाता है। तो बहुत सारी कंपनीज इस कंसेप्ट पे ही काम करती हैं कि अगर आप प्रोटीन का इंटेक कर रहे हो तो आपको भूख देर में लगेगी और आप आराम से कैलोरी काउंटिंग को मैनेज कर पाएंगे, कैलोरी कट डाउन कर पाएंगे, वेट लॉस कर पाएंगे। लेकिन ये तरीका हर किसी के लिए सही नहीं होता है, स्पेशली अगर आप कोई भी है लाइफस्टाइल डिसीज में आते हैं, डायबिटीज़ में आते हैं, डायबिटीज़ वालों के लिए तो उनकी मेडिसिन और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उनकी डाइट के हिसाब से मेडिसिन को लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मील स्किपिंग एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि अगर हम मील स्किप करके वेट लॉस कर रहे हैं प्रोटीन के भरोसे पर, तो जिस दिन प्रोटीन छोड़ देंगे और जिस दिन आप खाना शुरू करोगे उस दिन वापस से रीगेनिंग हो जाती है। तो इसलिए जब हम लोग अब आगे वेट लॉस का जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। बट डेली डाइट में अगर आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो बार बार कुछ भी जो फूड क्रेविंग के मन करता है कि कुछ खा लें, कुछ भी मुँह के अंदर चबा लें या जो सामने मिला उसको खा लें, वो सब हम लोगों को नहीं होता है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने से मसल हेल्थ भी अच्छी रहती है और सैटिएटी लेवल भी अच्छा बना रहता है, आपको बार बार फूड क्रेविंग का मन नहीं करता है, देर तक आप आराम से टिक सकते हैं। जैसे आपने स्प्राउट खाया सुबह, चना खाया या दाल का बना कोई भी आइटम खाया, तो आप देखेंगे कि आप आराम से काफ़ी लंबे समय तक एनर्जेटिक फील भी करेंगे और आपकी कैलोरीज भी आपको ज़्यादा उसमें नहीं होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं कि हमें कितने ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डेली डाइट में होती है और एक्टिविटी लेवल बदलने से वो रिक्वायरमेंट किस तरह बदल जाती है? तृप्ति। यस तृप्ति।
मैम 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम अपना जो वेट होता है उतना प्रोटीन हम लोग को लगता है एक्चुअली, पर डिपेंड्स ऑन अवर एक्टिविटी, मतलब हम लोग क्या एक्टिविटीज करते हैं, हम लोग के प्रोफेशन क्या है, तो उसके हिसाब से आप प्रोटीन इनटेक इंक्रीज कर सकते हो इससे भी. यस राइट करते, तो प्रोटीन का जो आपका लेवल मेंटेन हो जाए, प्रोटीन लेवल मेंटेन हो जाए. या वेल ट्राइड करते. प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट्स है ये तृप्ति जी ने एकदम सही बताया, और वो काफ़ी हद तक एज क्या है, जेंडर क्या है, हम लोग का वेट क्या है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. एज में जैसे ग्रोइंग बच्चे हैं या एडल्ट में हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, जेंडर में मेल है कि फीमेल है, वेट हर पर्सन का कितना है उसके हिसाब से उनको पर डे के हिसाब से लेना होता है, और फिजिकल एक्टिविटी क्या है, यानी अगर कोई व्यक्ति जिम जा रहा है या कोई एरोबिक्स कर रहा है कोई या फिर और फिजिकल एक्टिविटी में है, तो उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. तो प्रोटीन एज देखा जाए तो 0.8 से लेके 1 ग्राम पर डे पर बॉडी वेट, पर केजी बॉडी वेट, जैसे अगर कोई 50 केजी का है तो 50 ग्राम तक प्रोटीन उसको पर्याप्त मात्रा में सही लेना जरूरी है. 70 केजी का है तो उसे 70 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए. ये तो नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए चाहिए, लेकिन अगर उसकी एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. 1.5 से लेके 3 ग्राम पर केजी वेट तक भी वो चली जाती है, डिपेंड ऑन द एक्टिविटी लेवल. तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमें समझना चाहिए और अपने डेली डाइट में प्रोटीन को अपनी एक्टिविटी लेवल, अपने वेट के हिसाब से हमें मसल्स को अच्छा बनाने के लिए, हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए समझना चाहिए, लेना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और प्रोटीन सही तरीके से डाइजेस्ट हो उसके लिए उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, और अगर हम इनको सही रेशियो में ना लें तो डाइजेशन से रिगार्डिंग कौन कौन से इश्यूज हम लोगों को सामने आ सकते हैं, इसका आंसर कौन करेगा? जनरली क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी, मतलब ओवरऑल हमारे पूरे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है प्रोटीन, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जैसे स्टमक के अंदर भी हमारे बहुत सारे अमीनो एसिड्स की चेन होती है जो पेप्टाइड फॉर्म में होता है, वो अमीनो एसिड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, तो अगर ये अमीनो एसिड्स का लोअर लेवल हो गया तो वो वहाँ का जो इंटेस्टिनल माइक्रोबियल फ्लोरा है, म्यूकोसल लेयर को भी अफेक्ट करता है. उस वजह से क्या होता है कि हमारा खाने वाला जो अन्न है, जो डाइजेस्टिव फूड है, उसको भी वो उसका जो एसिड लेवल है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होने देता है. और अगर प्रॉपर डाइट में हमारा प्रोटीन रहेगा तो फिर वो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से रिकवर कर पाएगा, मतलब इम्यूनिटी भी सप्रेस नहीं होगी हमारी, फिर वो मेंटल अलर्टनेस पे भी इफेक्ट करता है, सारी चीजें ये हमारा प्रोटीन अफेक्ट करेगा, क्योंकि बिकॉज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी इज प्रोटीन, तो वो सारा सिस्टम को कवर करने का काम करता है. राइट. बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन किया महेश जी. तो प्रोटीन जो होता है उनमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है ये बहुत अच्छी तरीके से महेश जी ने एक्सप्लेन किए, और साथ में मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स, हमारे अमीनो एसिड जो है ये दो तरीके के रहते हैं, एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, इसे डेली डाइट से ही हम लोगों को लेने की ज़रूरत होती है, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद रेडी करती है. तो एसेंशियल अमीनो एसिड जो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, और ऐसा माना गया है कि जिस भी सोर्स में ये 9 अमीनो एसिड्स पूरे होते हैं, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड पूरे होते हैं, उसको कंप्लीट प्रोटीन का दर्जा दिया जाता है. तो जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ये अपने आप में जो सोर्सेज होते हैं, किसी किसी में ये कंप्लीट पूरे मिलते भी हैं, किसी किसी में नहीं भी मिलते हैं, किसी में अगर मिलते भी हैं तो कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है. इसे जब भी हम लोग अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहें और चाहें कि हम लोगों को पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी डेली डाइट में कंप्लीट मिले, तो उसके लिए हमें सही कॉम्बिनेशन बनाना ज़रूरी होता है, और ये कॉम्बिनेशन हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट दादी नानी के जो कुक
कुकिंग मेथड है, जो हम लोग के ट्रेडिशनल खाने के मेथड है, उससे आराम से वो पूरे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे दालों में लाइसिन करके एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे मसल हेल्थ के लिए। और अनाज में अगर हम लोग देखें तो मिथायोनिन करके जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर इन दोनों को जब हम लोग मिला के खाते हैं, दाल को चावल के साथ, दाल को रोटी के साथ, या दाल की कोई भी वैरायटी, लैटिन, लेग्यूम, सभी तरीके की दालें जितनी भी होती हैं, उनको जब हम लोग अनाज के साथ में मिक्स करके खाते हैं, तो दोनों सभी तरीके के जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये आपस में मिक्स होकर हम लोग को पूरी तरीके से मिल पाते हैं, और प्रोटीन ठीक से मेटाबोलाइज हो पाता है, ठीक से ब्रेक डाउन हो पाता है, ठीक तरीके से डाइजेस्ट हो पाता है। अगर हम लोग उनके ठीक कॉम्बिनेशन को बना के नहीं खाते, कई लोग अगर सोचेंगे कि वो केवल चावल खा लें, या फिर केवल दाल ले रहे हैं, या दाल का आइटम बना रहे हैं, उसमें अनाज को या ग्रेन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो प्रॉब्लम डाइजेशन से रिगार्डिंग आती है, उसमें ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपन, ये सब चालू हो जाता है। तो अगर हम लोग अपने ट्रेडिशनल कुकिंग का जो भी मेथड है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, और दाल से बने, दाल और दाल की वैरायटी जितनी भी है, लैटिन और लेग्यूम्स की, उसको जिस तरीके से खाया जाता था ट्रेडिशनली, हम लोग उस तरह से कंज्यूम करते हैं, तो हमें कंप्लीट एसेंशियल अमीनो एसिड मिल पाते हैं, कंप्लीट प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इसको उसी तरीके से खाने की ज़रूरत है जिस तरह से हम लोग खाया करते थे। ओके, क्वेश्चन है हम लोग का, हाई क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट को सेलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मोदी केयर के जो ये तीनों प्रोटीन है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट प्रोटीन, क्रेस्ट प्लांट प्रोटीन, इनमें क्या ऐसी विशेषताएं हैं तो उन प्रोटीनों को एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट बनाती है। ओके मनीषा जी, लंबा क्वेश्चन कर दिया है मैंने, बट एक साथ आंसर हो जाएगा। क्वांटिटी को चेक करते हैं कि कितने ग्राम का प्रोटीन हमें मिलने वाला है। सेकंड नंबर पे हम लोग चेक करते हैं कि प्रोटीन का सोर्स क्या है, किस सोर्स से प्रोटीन दिया जा रहा है। जैसे कि अगर इसी की हम लोग और एक्सटेंड करके बात करें, तो मोदी केयर के जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, उसमें प्रोटीन का सोर्स हम लोग का कोलोस्ट्रम है, यानी चिक का दूध है, गाय के बछड़े पैदा होने के 4-5 दिन का जो गाढ़ा दूध है, जो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थ को इम्प्रूव करता है, वो उसका सोर्स है। अगर हम लोग के प्रोटीन क्रस्ट की बात करें, तो वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन उसका सोर्स है। अगर हम लोग अपने प्लांट प्रोटीन की बात करें, तो उसमें सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, ये सब उसका सोर्स है। तो हाई क्वालिटी सोर्स मोदी केयर के पास है। फिर ग्राम, कितना ग्राम प्रोटीन है, तो अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग का स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, उसमें एक चम्मच में 5 ग्राम प्रोटीन हम लोग को मिल जाता है। प्रोटीन क्रेस्ट में पर सर्विंग हम लोग को 8 point something उसमें प्रोटीन मिल जाता है। इसी तरह प्लांट प्रोटीन में भी 8 के ऊपर एक सर्विंग में उतना ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। यानी अगर हम लोग 2 times प्रोटीन ले रहे हैं, तो बच्चों को जो कम से कम 10 ग्राम का प्रोटीन, और हम लोगों को 16 ग्राम का प्रोटीन हम लोग सप्लीमेंट्री उसमें पूरा कर पाते हैं। थर्ड नंबर पे जो उसमें आ जाता है कि प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर क्या है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं PDCAAS स्कोर, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। जैसा आपने बताया
कि ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और इसका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर जो है ये 1 है, WHO द्वारा प्रमाणित है 1 है। तो जिसका भी डाइजेस्टिबिलिटी जो स्कोर है ये अगर 1 होता है तो वो प्रोटीन आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है। तो बच्चों से लेके, ग्रोइंग से लेके, एडल्ट से लेके बुढ़ापे तक सभी तरीके से प्रोटीन की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास मोदी केयर में जो प्रोटीन अवेलेबल है ये इन सभी मानक पे खरा उतरते हैं, जिसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मोदी केयर का प्रोटीन है ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपने देखा प्रोटीन हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, हेल्थ के लिए, बोन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हार्मोन्स के लिए, नेल्स के लिए, बॉडी के हर सेल के लिए, हर टिश्यू के लिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, ऑल ओवर हेल्थ अच्छा रखने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और प्रोटीन हमारी मैक्रो एलिमेंट में माना जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट माना जाता है, और जिसको डेली डाइट में पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में है तो स्किन, हेयर, हेल्थ, बोन और मसल से रिगार्डिंग जितने भी सिम्टम्स हम लोगों ने अभी इसमें डिस्कस किए कि कम प्रोटीन डाइट अगर हम लोग किए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा है कि हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत आसानी से लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमें, हमारे पास एक इंश्योरेंस है, लेकिन हेल्थ ख़राब ना हो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स हमें डेली बेसिस पे उठाने चाहिए, जिसके लिए जितनी चीज़ें हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए चाहिए उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्हीं में से एक था प्रोटीन, और जिसके बारे में कम्प्लीट अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन आज के सेशन में हम लोगों ने सीखी, मैंने भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखा। तो थैंक्स टू ऑल of you and have a nice day.